चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की होली के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर देशभक्ति फिल्म शेर हिंदुस्तान को रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया। जी हां, लगातार फिल्म का चौथे दिन भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स भोजपुरी दर्शकों को मिला और सभी सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिखाई दिया। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने चौथे दिन भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है कि फिल्म अभी तक कितना कलेक्शन किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म ने चौथे दिन यानी कि संडे को करीब 10 से 15 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है, वो भी पूरे भारत में। नेपाल का कोई भी रिकॉर्ड जानकारी नहीं मिल पा रहा है। वैसे आपको बता दें कि चारों दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 50 से 60 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यह कारोबार ऑफिशियली नहीं है। आपको बता दें कि शेर हिंदुस्तान में निरहुआ का जोरदार देशभक्ति अंदाज फिल्म में दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके निरहुआ के देशभक्ति डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमा घर में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं और उनके डायलॉग को कॉपी करते हुए नजर आते हैं। खास करके निरहुआ के नेपाल में जोरदार रोमांटिक के साथ साथ जोरदार एक्शन पैक अंदाज में जो दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ के शेर हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म शेर हिंदुस्तान को जरूर देखें और जिन लोगों ने शेर हिंदुस्तान को देखा है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का देशभक्ति अंदाज शेर हिंदुस्तान में कैसा लगा।